नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर आज अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कमेटी को काम करने से रोकने का आदेश दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया गया था, जो कमेटी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसकी जांच पर रोक लगाई गई थी। और ये कहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जो वहां के साक्ष्य हैं उनको मुहैया कराया जाए, दस्तावेज सौंपने को कहा गया था। पांच जनवरी की इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 सड़क पर रोकने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोका और करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला हाईवे पर फंसा रहा। ये तस्वीरें सिर्फ संयोग थी या साजिश, इसे लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगाकर निशाना साध रही है और पंजाब सरकार इसे महज सुरक्षा में चूक बताकर पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन सच क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून व्यवस्था का मुद्दा ही नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसका अनुपालन करना होता है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरह से पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया वो एक गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और इस मामले में स्पष्ट जांच जरूरी है। याचिका में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मामले की जांच का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये विशेष तौर पर एसपीजी एक्ट से जुड़ा मुद्दा है और इस मामले में अदालत को जांच करानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी को अपना काम रोक देने को कहा था और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पीएम मोदी के पंजाब दौरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इस बीच इस मामले को लेकर एएसएल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी को ही एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच बातचीत हुई थी। उस समय दोनों के बीच खराब मौसम होने पर वैकल्पिक रास्ते को लेकर चर्चा हुई थी। इस संबंध में 3 जनवरी को एक पत्र भी एसपीजी ने पंजाब पुलिस को भेजा था और वैकल्पिक रास्ते की जानकारी साझा की गई थी। इस खुलासे से पंजाब सरकार के उस दावे की भी पोल खुल गई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का अचानक सड़क मार्ग से जाने की योजना बनी थी। हालांकि पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। टीम न्यूज़ नेशन।